और मैं कहते गए कोई मौका नहीं डर रखा देवेंद्र और ताली बजा रहे कुशवाहा जी कभी खुश है इस बार कुशवाहा जी लगता है पाटन के पक्ष में और पाटन को से सर्विस लिखने के मैदान पर कोर्ट पर चहलकर्मी करते हुए वाइट कॉर्नर को शेल्टर को निशाना बनाना चाह रहे थे लेकिन देखना है अंक लाते हैं अंक आते हैं सोनवानी जी और खाली हाथ वापस आइए सम्मानित सोनवानी जी और लिखने को से सर्विस काफी पुराने खिलाड़ी है बिजली की तरह चमक रहे हैं देखना है अंक लाते हैं या पूरी तरह से नागिन डांस कर रहे हैं मैदान में और खाली हाथ वापस सोनवानी जी और पूरा सर्विस का मौका मिला है पाटन को पाटन का खाता खुल चुका है 1-0 का भाग दौड़ चलता हुआ अब खाता खोलना है लिखनी को लपके जाएंगे कोई मौका नहीं एक एक अंकों के साथ बराबरी का मैच चलता हुआ तराजू के बल्ले में तोला जाए तो एक एक अंकों के साथ कांटे पर हटकी हुई है सोनवानी जी और आसिफ मेहता ने कमेंट्री का और इस बार देखिए गिनती चालू है सम्मानित जितेंद्र मरकाम जी एम्पायर महोदय का 2 अंक लॉस पैटर्न 2 अंक इजाफा हुआ है और इस बार देखना है लपके गए कोई मौका नहीं ला लगातार अंकों में इजाफा होता हुआ लिखने का सम्मानीय सोनवानी जी बिल्कुल कृष्ण जी यहाँ पर गए ना उसके कारण बचा दे रहे बचा दो पाटन को लेकिन जो खिलाड़ी कहते हैं ना मुश्किल से भाग जाना आसान होता है हर पल जिंदगी में त्याहन होता है लड़ने वाले को बचने में समय दोस्त यहाँ लड़ने वाले को कदम बचा होता है इस तरीके से जहाँ जो बचाना होगा जो फम लगाना होगा और साथों के साथ एक साथ जिस तरीके से कहा जाता है पकड़े गए यहाँ पर भाग भाग के अस्कर को देखा जाता है क्या चला से पाटन भी यहाँ पर अपने कमल हमारे जी सही बात है सोनवानी जी आप पूरा धन्यवाद देना चाहूंगा बड़ी खुशी की बात है सोनवानी जी और इस बार लगते गए लिखने के खिलाड़ी और सम्मान्य कुशवाहा जी तालियों स्वागत कर रहे हैं और बड़ी खुशी की बात है सोनवानी जी सम्मान्य संतोषी राम जी साहू जी जिनके पाटन और लिखने जंतर क्षेत्र थे उन युवाओं के साथ काफी लगाव है हृदय में उन्हें पास करती है चाहे राजनीति में हार हो या जीत हो लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ एकदम लगाव रखने वाली परम आदरणीय श्रीमती सदाम संतोषी राम जी के द्वारा दोनों टीमों को 100-100 रुपए का राशि दिया गया है टीम खेल समाप्त होकर जैसी होती है आज सम्मान्य रवि मरकाम जी सम्मान्य छदामी साहू जी के सम्मान्य श्रीमती सुमन आयाम जी सम्मान्य संतोषी साहू जी के हाथों से अपना राशि प्राप्त कर लेंगे जो की राशि गांधी छाप सम्मान्य श्रीमती संतोषी राम जी साहू जी के द्वारा दिया जाएगा 100-100 रुपए दोनों टीमों को धन्यवाद आइए परम सम्मान्य सोनवानी जी के साथ गांधी छाप रख रहा हूँ आप देखा जाए तो परम सम्मान्य कहा जाए तो संतोष टीम के 100-100 रुपए का गांधी छाप रह जाते कल हो तो आज जैसा मंडल हो तो आज जैसा और कदरदार हो तो आप जैसा इस तरीके से खिलाड़ियों का हौसला हिम्मत करने के लिए उत्साह वर्धन करने के लिए 100-100 रुपए का गांधी छाप रख रहा हूँ यहाँ पर बकरे टीम रहे हैं बकरे का यहाँ पर देखा जाए तो लिखी का खिलाड़ी 6-5 की भाग कर 1 अंक से आगे बढ़ बनाते हैं यहाँ पर पाटन सुपर एगल ऑन है सामने देखा जाए तो लिखनी का खिलाड़ी बीस खिलाड़ी कहा जाए तो यहाँ पर हुगली दिखा दी हुई यहाँ पर देखा जाए तो पकड़ने का जज्बा रखना होगा कम कम लगाना होगा और इसी के साथ पीछे का तो शिकार करिए इधर फंसा दे अकेले जाते हैं संगे चार बजा के पाएंगे वन पर चार्ज करते हुए यहाँ पर देखा जाए तो पाटन जितना तारीफ मंदिर की क्यों कहा जाए तो परिस्थिति 7-5 की भाग दौड़ सही बात है सोनवानी जी और खेल प्रभारी खेल अधिकारी पाटन के पक्ष में हो तो अंकों के इजाफा होना जरूरी है लेकिन कहते हैं दोस्त महत्व हो गए कार्य जैसा महल हो गए कार्य जैसा और मैदान हो गए गारसरे जैसा और दानदाता हो तो सम्मान्य संतोषी साहू जैसा जो कि दोनों पार्टियों को 100-100 रुपए का राशि दिया गया है सम्मान्य सोनवानी जी बिल्कुल और इसी के साथ सुपर एगल ऑन देखना होगा 6-7 की भाग दौड़ लेकिन गलती कर दी यहाँ पर लेकिन खिलाड़ी और इसी के साथ नजर हटी दो पता करती तू पचास का दे यहाँ पर खिलाड़ी और इसी के साथ जोर के जगह वो पहुंचाते हो लिखनी को लेकिन लिखनी भी किसी से खामोश नहीं रहेगा अपने आप को कुछ कर
करके दिखाना होगा। आईसी के साथ में पकड़े गए यहाँ पर रेफरी के द्वारा, जिस तरीके से कह रहे थे उनके चिल्लों के पाके में मारे जितेंद्र का काम गणेश यादव, जिस तरीके से आपने रेफरी का टाइम शो कर यहाँ पर, और इसी तरह अपना कमर कसले करो, पहली आपको सूचना दिया जा रहा है और इसके बाद जो मुकाबला होना है ऊंचा ए डी सी एस डी तोरी ये भी अपना तैयारी बना के रखेंगे। धन्यवाद सरवानी जी, और पाटन के उसे सर्विस लिखने के मैदान पर, लिखने के कोर्ट पर देखना है, लिखने अंकों में जा पाएगा बाजारी उनका चुना गया है और सबके गए कोई मौका नहीं होगा, लेकिन एम्पायर का डिसीजन दोनों को एक एक गंवाना पड़ा है, कैचर आउट रेड आउट कर छो चुके थे रेड कलर के लाइन को, और देखिए और लिखने को लगातार अंक मार रहे हैं, लिखने खिलाड़ी समझ नहीं पा रहे हैं, सम्मानीय कुशवाहा जी समझा रहे हैं खिलाड़ियों को कि कैसा खेलना है इस मैच में बने रहना है। तो और सब कन्या श्रीमती संतोष राम जी साहू जी के द्वारा भी दोनों टीमों को राशि दिए गए, दिखाया लिखने की ओर से कैच किया है, अंकों बढ़ाया है देवेंद्र सोनवानी जी। बिल्कुल लेकिन इनका खिलाड़ी भी अपने आप को साबित करते यहाँ पर देखा जाए तो कहते हैं ना जो कड़ी से कड़ी जोड़ के जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पर मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। इस तरीके से तकदीर को चुनौती देते हुए यहाँ पर देखा जाए तो हम सब यहाँ पर और इसी के साथ में क्या इशारा कर पाए द्वारा ब्लॉक पंचायत करते हुए यहाँ पर लिखने पाटन का कैचर को यहाँ पर खाया करते हुए ना चल जाते भाग दौड़ते जी। सही बात है सोनवानी जी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होती सोनवानी जी, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है, दूसरा रखना होगा कुछ रखना होगा, लेकिन अब कोई मौका नहीं लिखने के पास सोनवानी जी। बिल्कुल हौसलों में उड़ान होती है सोनवानी जी, इस तरीके से कहा जाए तो कहते हैं ना परिंदों को मिलेंगे मंजिल के फैले हुए पर बोलते हैं, परिंदों को मिलेगी मंजिल के फैले हुए पर बोलते हैं, अक्सर वही लोग खामोश रहते हैं जो इस मैदान में हुनर बोलते हैं, जिस तरीके से हुनर को प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दोनों ही टीम काबिल तारीफ कहा जाकर गलती करते हुए यहाँ पर देखा जाते लिखने का खिलाड़ी बोलते जी। सोनवानी जी देखे सोलह दस का भाग दो, ये देखिए खिलाड़ी काफी मजेदार खिलाड़ी काफी खुश नजर आ रही है, संतोषी साहू जी लिखने और पाटन दोनों उनके जनपद क्षेत्र है, लेकिन वह काफी खुश है दोनों टीमों के लिए, 600 रुपए राशि लगा चुकी है, और मैं कहना चाहूंगा लिखने के लिए चाहे पाटन को पाटन के लिए भी अभी जो खामोश है ले पाए थे सोनवानी जी। बिल्कुल इसीलिए तो कहते हैं ना लिखता हूँ खून से सियाही मत समझना, लिखता हूँ खून से सियाही मत समझना, कमजोर मत समझना, इस तरीके से साबित करते हैं क्या कि भाग कर पाते जी। सही बात है सोनवानी जी, लिखने भी किसी से कम नहीं है, लिखने के लिए कहना चाहूंगा अभी खामोश रहो वो मंजर भी सामने आएगा, अभी खामोश रहो वो मंजर भी सामने आएगा, दरिया को ढूंढता हुआ एक दिन समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा, समुंदर भी आएगा, बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना क्योंकि हौसला चलने को मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। कहते जी सही बात है सोनवानी जी, सुपर टेकल ऑन है, अंक लेते हैं दौड़ पकड़ते हैं तो अंक मिलेगा, भारी भरकम शरीर वाले लिखने को से दमखम दिखाना होगा, और पाली और करने की कगार पे है देखना है, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अंक मिलेगा पाटन को, दोनों खेलों का काफी रोमांच देखने को मिल रहा है सोनवानी जी। इसके बाद देखना होगा बड़ी शान कहा जाए तो यहाँ पर लिखने की ओर से देख के लेंगे साथों में साथ उठाने के काबिल करते हैं, लेकिन यहाँ पर सही बात है सोनवानी जी, में कह रहा था अभी कि अभी खामोश रहो मंजर भी सामने आएगा, अभी खामोश रहो मंजर भी सामने आएगा, दरिया को ढूंढता हुआ समुंदर भी एक दिन सामने आएगा, एक दिन सामने आएगा, वही ने अच्छे अंक अर्जित किया।
किया है, अभी देखना है आपको नजरदार है तो 13-21 का भाग दौड़ जरूर कागज पकड़ते हैं, लेकिन मजबूत स्थिति पे है और पूरे रेल का जवाबदारी निभाना होगा। लिखने खिलाड़ी को अंक अर्जित करना होगा क्योंकि थोड़ी सी दलदल में फंस चुकी है। कहते हैं मेरे दोस्त सोनवानी जी, छोटी सी मुसीबत को देखकर जो डर जाए उसे खिलाड़ी कहते हैं, और मुसीबत को देखकर जो लड़ जाए उसे ही खिलाड़ी कहते हैं। जो दूसरी खिलाड़ी कहते हैं सोनवानी जी, इसी के साथ कहा जाता है, जीते जीते कहा जाए तो यहाँ पर